नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ट्रेवल एजेंसी का काम है और हम अपनी ट्रेवल एजेंसी द्वारा उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा यात्रियों को करवाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक गाड़ी खड़ी है। दोस्तों, चार धाम यात्रा पर जाने के लिए 5 से 6 लोग अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक और एक लग्जरी गाड़ी और जो कि बजट गाड़ी आपको हम दे रहे हैं। कौन सी गाड़ी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस गाड़ी के बारे में हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, ये मारुति की अर्टिगा गाड़ी है जो कि 6+1 होती है, 6 सीटर, ड्राइवर के साथ ये 7 सीटर होती है। काफ़ी आरामदायक गाड़ी है और हम अपनी ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से 5 से 6 लोगों के लिए अर्टिगा का सर्विस दे रहे हैं जो कि काफ़ी फायदेमंद आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में हम आपको इस गाड़ी के फीचर्स बताने वाले हैं, आपको क्या फ़ायदा होगा इस गाड़ी से यात्रा करने में, तो हम सब आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके अंदर से फीचर्स दिखाएंगे किस प्रकार से ये गाड़ी आपको मिलने वाली है यात्रा के लिए, और हम आपको बताएंगे कि आपका बजट भी इसमें क्या होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और आगे हम आपको दिखाते हैं इस गाड़ी के फीचर्स। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं जो हमारी न्यू अर्टिगा गाड़ी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और आपको मिलवाते हैं हमारे जो सबसे एक्सपीरियंस और सबसे अच्छे जो हमारे ड्राइवर है सुरेंद्र शर्मा जी, तो ये बताएंगे इस गाड़ी के बारे में। इन्होंने काफ़ी चारधाम यात्राएं इस बार भी करी है 2022 में, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको यात्रा करवाने का। तो अर्टिगा गाड़ी से काफ़ी यात्रा इस समय कर रहे हैं, तो इनसे जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो सुरेंद्र जी, आप काफ़ी यात्रा चारधाम की कर रहे हैं और अभी भी आप चारधाम यात्रा करके कल ही लौटे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको थोड़ा सा बता दें कि इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में, किस प्रकार की इसकी सीटिंग कैपेसिटी है और क्या क्या इसमें फीचर्स है, क्या चारधाम यात्रा में किस प्रकार से ये हमारे व्यूवर्स, हमारी यात्रियों के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है ये गाड़ी, तो आप बताएँ ज़रा। सर, ये गाड़ी है, मैं चला रहा हूँ, ये 12 तारीख को आई है, अभी 12 तारीख को आई है, न्यू ब्रांड गाड़ी है अभी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी सीटें हैं, एसी है, फ्लोर डेक म्यूजिक सिस्टम सब है। तो आप दिखाएं हमारे व्यूवर्स को जरा अंदर से किस प्रकार से इसमें बैठने की सीटिंग कैपेसिटी है यात्रियों को, और थोड़ा सा दिखाएं आप जरा। ठीक है सर, आ जाइए। दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से है इसकी। ये सर, ये ड्राइवर सीट है। हाँ। आप बगल में आपका एक सवारी जो एक सवारी बैठेगी, और थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको, म्यूजिक सिस्टम इसमें लगा हुआ है और काफी अच्छे फीचर्स है इसमें, आप देख सकते हैं। ये एसी का ब्लोवर है ये, और ये इधर भी देख सकते हैं, और इसमें स्टेयरिंग में ही काफी अच्छे फीचर दे रखे हैं, देख सकते हैं आप, ये म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने के लिए, और देख सकते हैं आप इस प्रकार से, और पीछे की ये 3 लोगों के लिए बैठने के लिए है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखो सर, ये एडजस्ट, हाँ, ये आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं सुरेंद्र जी इसको। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ये कम्फर्ट इस तरीके से, और पीछे जो है इसमें बीच में आप 3 लोग बैठेंगे और ये पीछे आप 2 लोग बैठेंगे और बहुत ही आराम से बैठेंगे। तो इस प्रकार से सीट को आगे करके आप पीछे जा सकते हैं, देख सकते हैं, इस प्रकार से आप पीछे कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, अपने लेंथ के हिसाब से। अगर आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो आप इसको पीछे भी कर सकते हैं, लगेज वगैरह। हाँ, ये कैरियर भी इसमें लगा हुआ है, काफी बड़ा कैरियर इन्होंने लगा रखा है, और आप इसमें पीछे जो डिक्की है इसमें भी काफी आप लगेज अपना सामान रख सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा जो है ये CNG नहीं है, पेट्रोल गाड़ी है, और इसलिए काफ़ी यहाँ पे स्पेस आपको मिल जाता है, पीछे भी आप अपना सामान रख सकते हैं, आप देख सकते हैं, और ये जो सीटें भी आगे हो जाती है अगर आप पीछे थोड़ा सामान रखना चाहते हैं, अगर आप कम लोग हैं तो आराम से पीछे सामान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको गाड़ी मिलेगी 6 सीटर अर्टिगा, और देख सकते हैं ये कैरियर काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी सामान आ जाएगा, क्योंकि जब यात्रा पे आप लोग आते हैं तो काफ़ी सामान भी लेके आते हैं। और दोस्तों, थोड़ा सा एक जानकारी मैं दे देता हूँ आपको, जो चारधाम यात्रा अगर आप जा रहे हैं तो चारधाम यात्रा में कुछ थोड़े से नियम रहते हैं, जैसे म्यूजिक सिस्टम है चल जाएगा, लेकिन जो प्रशासन की तरफ से, RTO की तरफ से जो है म्यूजिक सिस्टम अलाउ नहीं होता है कि आप उसे चला सके, और थोड़ा सा बता देते हैं, ऊपर चढ़ाई पे पहाड़ों पर AC भी जो है अलाउ नहीं रहता है, तो जहाँ भी प्लेन एरिया आता है आप ड्राइवर से बात करके चला सकते हैं। तो हम थोड़ा सा जो गाड़ी दे रहे हैं आपको नॉन AC ही दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये गाड़ी मिलेगी चारधाम यात्रा के लिए। तो
तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि चारधाम यात्रा पर आपका अर्टिगा गाड़ी से कितना खर्चा आने वाला है। दोस्तों हम बताते हैं आपको कि चारधाम यात्रा पर जैसे ही भीड़ ज़्यादा आती है तो गाड़ियों के रेट भी बढ़ जाते हैं, और जैसे ही भीड़ कम होती है तो गाड़ियों के रेट भी कम हो जाते हैं। कोई एक रेट चारधाम यात्रा पर गाड़ियों का नहीं रहता है। तो हम आपको दोस्तों बता रहे हैं अक्टूबर महीने में, अक्टूबर मंथ में अर्टिगा गाड़ी का जो रेट होने वाला वो कितना हो सकता है। तो दोस्तों अक्टूबर मंथ में अर्टिगा गाड़ी का जो पर डे का रेट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, चारधाम यात्रा 9 से 10 दिन की होती है तो पर डे के हिसाब से हम आपको गाड़ियाँ देते हैं। तो दोस्तों 5,000 से 5,500 रुपये तक का रेट अर्टिगा गाड़ी का दोस्तों जा सकता है। अगर भीड़ ज़्यादा आती है तो आप मान के चले कि 5,000 से ऊपर भी ये रेट अर्टिगा गाड़ी का हो सकता है। और दोस्तों अगर भीड़ कम रहती है तो 5,000 से कम में भी आपको अर्टिगा गाड़ी मिल सकती है। आपको 4,500 से लेकर 5,000 रुपये तक में अर्टिगा गाड़ी पर डे के हिसाब से मिल सकती है। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग कराने के लिए आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, जल्दी से जल्दी संपर्क करें और अपने लिए गाड़ियाँ बुक कराएं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। दोस्तों आगे भी हम अपनी जो ट्रेवल एजेंसी द्वारा जो आपको गाड़ियां प्रोवाइड कराते हैं तो हम आपको जो अलग अलग गाड़ियां हैं उसके फीचर्स के बारे में बताएंगे। जैसे 4 सीटर में हम आपको कौन सी गाड़ी दे रहे हैं या 8 सीटर में हम आपको कौन सी गाड़ी दे रहे हैं, और उससे ज़्यादा अगर आप लोग हैं, 12 लोग हैं, 14 लोग हैं, तो हम आपको कौन सी गाड़ी दे रहे हैं, सब हम आपको वीडियो के माध्यम से दोस्तों आगे बताते रहेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो दोस्तों हम आगे भी आपसे इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। चारधाम यात्रा से जुड़ी जो भी जानकारी है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से साझा आपके साथ करते रहेंगे। तो आप इसी प्रकार बने रहे हमारे चैनल के साथ दोस्तों। तो आज के इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।